हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। मैंने यहाँ पर दो टमाटर लिया है, इसी तरह से कट कर दिया है और बैंगन को अच्छे से धो के लिया है। इसको भी मैं यहाँ पर कट कर दूंगी इस तरह से, क्योंकि अंदर में कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, इसलिए अच्छे से इस तरह से कट करके देखनी चाहिए। इस तरह से कट करने के बाद हमें यहाँ का अंदर में इसका अंदर में लहसुन डाल देंगे। लहसुन डालने से इसका फ्लेवर अच्छे आते हैं, लहसुन भी थोड़े से स्मोकी का फ्लेवर देंगे और बैंगन में तो होंगे ही। इस तरह से सब मैंने यहाँ पर डाल दिया है लहसुन का। अभी हम यहाँ पर सरसों का तेल से थोड़ी सी ब्रश कर देंगे। इस तरह से करने से जब हम ये गैस का ऊपर में रखेंगे ना, तो इसका चमड़ी अच्छे से निकल भी आएंगे और इसका फ्लेवर भी अच्छे लगेंगे सरसों के तेल के। इस तरह से हर जगह में सरसों का ऑयल लगा देंगे अच्छे से। अभी मैं यहाँ पर गैस में एक छन्नी रखी हुई है और इसको गैस में डाल दूंगी। इस तरह से मीडियम फ्लेम करेंगे और इसको उलट पलट करके हमें 5-6 मिनट तक इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक इस तरह से पकाएंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो गई है अच्छे से, बैंगन भी टमाटर भी। इसको अभी हम गैस से उतार देंगे और ठंडे होने के लिए, रेस्ट करने के लिए दे देंगे। अभी मैंने यहाँ पर गैस पे एक तवा रखी हुई है, इस पर मैं सरसों के ऑयल लूँगी। एक चम्मच से वन एंड हाफ चम्मच डाल दिया है सरसों के ऑयल, और मैंने हरी मिर्च और प्याज भी डाल दिया है। हरी मिर्च मैं थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि स्पाइसी पसंद है मुझे, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। हमें प्याज को क्रंचीनेस से रखनी है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाएंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर लहसुन जो हमें जला के रखी हुई थी ना, उसको अच्छे से पेस्ट बना के इसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। अभी इसको भी हम इस तरह से मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी लगते हैं। उसका ऊपर में यहाँ पर फ्राई भी हो रही है और उसका ऊपर में गैस में हमें इसको जलाया भी है, स्मोकी का फ्लेवर भी आते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जिसको भी बैंगन का भरता पसंद है ना, आप इस तरह से एक बार बना के खाएगा, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। मैंने यहाँ पर टमाटर और बैंगन को अच्छे से इसका चमड़ी छील के अच्छे से इसको कट कर दिया है और यहाँ पर डाल दूंगी इस तरह से, ये देखिए। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर मसाला भी ऐड करनी है। अभी हम यहाँ पर डाल देंगे धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। कलर अच्छे आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। और अभी हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें ढक्कन लगा के इसको 1-2 मिनट तक हमें अच्छे से पकाएंगे। ये बहुत ही इजी है और बनाने के लिए भी और खाने में भी सभी को पसंद आते हैं। आप रोटी पराठा के साथ में हो या दाल चावल के साथ में हो, खाने के लिए बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एक बार ज़रूर आप ही ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा। अभी ढक्कन लगा दूंगी मैं इसको और 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी। 2 मिनट हो गई है, अभी एक बार चेक करके देखती हुई, देखिए इतने अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं, इतने खुशबू आ रहे हैं, मुझे तो मुंह में पानी आ रही है, खाने की मन बहुत हो रही है। आप ही एक बार इस तरह से बना के खाएगा और अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ये देखिए इतनी अच्छी सॉफ्ट भी बन गई है और इतने टेस्टी फ्लेवर भी आ रही है। अभी हम यहाँ पर धनिया पत्ता का गार्निश कर देंगे, फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं, धनिया पत्ता ज़रूर डालिएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, वो ये है कि यहाँ पर इस तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 चम्मच सरसों के तेल। ये कच्ची तेल है, आपको पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा, पसंद नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद सर्व करके खाएंगे।
आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार आपका सपोर्ट हमेशा इसी तरह से बना के रखिएगा और नई नई वीडियो लेके मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।